अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि फाइनली आज मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया, और इस मोनेटाइजेशन का क्रेडिट जाता है आप सब लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इसलिए सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों का जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है, क्योंकि अगर आप लोग मुझे मेरा साथ ना देते तो मैं आज यहाँ तक ना पहुँचती। तो यार एक तो चीज़ ये हो गई, और दूसरी बात यह कि इग्नोर कर देना, पीछे से शोर आ रहा है। तीसरी बात यह कि यार मैं गर्मी में बैठ के आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि लाइट चली गई और मुझे आज ही आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करनी थी, पब्लिक करनी थी। पंखा मैं लगा नहीं सकती क्योंकि शोर बहुत आएगा, आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी, ठीक है जनाब? तो इग्नोर मार देना ये जो मुझे पसीना वगैरह आ रहा है। तो बात कर लेते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं यूट्यूब के लिए, अगर आप लोग यूट्यूब पर अपना चैनल मोनेटाइज करवाना चाहते हो। तो चार मेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आप लोगों के 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, जो कि मेरे कंप्लीट थे। 10000 हो गए थे आज तक में, आज की तारीख में 10600 से ऊपर है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर था 4000 का वॉच टाइम, वो भी कम्प्लीट हो गया था। तीसरे नंबर पर था 2-स्टेप वेरीफिकेशन, वो मैंने ऑलरेडी कर रखी थी। चौथे नंबर पर था कि आपके चैनल पर कोई कम्युनिटी गाइडलाइन जो है वो स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, तो ये भी मेरा कम्प्लीट हो गया था। मेरे चैनल कोई स्ट्राइक नहीं थी, तो यार मैं इस चीज के लिए लकी थी कि मेरे चैनल पे किसी किस्म की कोई स्ट्राइक नहीं थी। स्ट्राइक यार तब आती है जब आप लोग उनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते, या आप लोग किसी और का कंटेंट उठा के अपने चैनल पे डाल देते हो, तो आप लोगों को स्ट्राइक आती है, अदरवाइज कोई स्ट्राइक नहीं आती। और अगर थोड़ा बहुत कॉपीराइट किसी म्यूजिक पे आ जाए तो वो इतना मैटर नहीं करता, ठीक है। तो एक तो चार चीजें ये थी जो कि मैंने कंप्लीट कर ली आज की तारीख में। सीना आ रहा है यार, बहुत गर्मी लग रही है, मैं क्या करूं? इग्नोर मार दो यार, इग्नोर मार दो। अच्छा जनाब, तो बात कर लेते हैं कि यार पहले 3200 आवर्स, अच्छा 1000 सब्सक्राइबर तो मैंने बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिए थे, वो मेरे हो गए थे पहले साल के अंदर अंदर ही कंप्लीट हो गए। तो यार ये जो 4000 घंटे का वॉच टाइम होता है ना, ये बहुत बहुत मुश्किल होता है, एक पहाड़ की तरह होता है। क्योंकि शुरू शुरू में आप लोगों के व्यूज़ बहुत कम आ रहे होते हैं, और आप लोगों का 1-2 घंटे 3-4 घंटे बढ़ रहे होते हैं डेली के। तो यार इस तरह बढ़ते बढ़ते जो है वो मेरा 3200 घंटों तक मैं पहुँच गई थी इस साल, इस महीने के अंदर अंदर ही, ठीक है। 3200 घंटे आज से 10 दिन पहले मेरे 3200 घंटे हो गए थे, और मुझे था कि अभी भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे और बहुत देर हो जाएगी। लेकिन जैसे ही अब आपके चैनल पे कोई एक वीडियो वायरल होनी शुरू होती है, तो यार आप यकीन करो लास्ट 10 डेज के अंदर 800 घंटा कैसे कंप्लीट हुआ, मैं आप लोगों को, रोज का 100 घंटा बढ़ना शुरू हो गया, 100 घंटे बढ़ना शुरू हो गए रोज के, जो कि बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। 800 घंटे जो है वो मैंने यूं करके कंप्लीट कर लिए, मतलब 8-10 दिनों के अंदर अंदर 800 घंटे यूं कंप्लीट हो गए। और एक दिन बैठे बैठे मुझे यूट्यूब की का जो मेरा 4000 घंटों का वॉच टाइम था वो कंप्लीट हो गया, और वहां पर मेरे YT स्टूडियो में अप्लाई नाउ की ऑप्शन आ गई जैसे ही मेरे 4000 घंटे कंप्लीट हुए। तो जनाब कल की बात है कि कल मुझे 17 तारीख को, आज 18 है, कल 17 थी, 17 जुलाई को मुझे यहाँ वहाँ मेरे YT स्टूडियो में अप्लाई नाउ की ऑप्शन शो होना शुरू हो गई। मैं बहुत एक्साइटेड थी, मैंने जल्दी से उसको अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद क्या हुआ, आगे के स्टेप्स मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी बताती हूँ, ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो जाए, आप लोगों को भी पता चल जाए कि यार अगर आप लोगों ने चैनल को मोनेटाइज करवाना है तो क्या क्या स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे। तो जनाब वहाँ पे 3 स्टेप आ रहे थे। पहला स्टेप था जिसके अंदर आप लोगों ने अपना ईमेल शेयर करना था, आपका चैनल का लिंक उसमें ऑलरेडी मौजूद होता है, आपने अपना ईमेल एड्रेस शेयर करना है, और उस स्टेप से आगे जो आपके एग्रीमेंट्स होंगे उसको आपने एक्सेप्ट करते जाना है, और उसको आपने आगे बढ़ाते जाना है, बस वो आपने एग्रीमेंट्स को कंप्लीट कर लेना है, वो हो जाएगा। दूसरे स्टेप में आप लोगों को एडसेंस अकाउंट मांगते हैं, वो तो एडसेंस अकाउंट मेरे पास तो बना हुआ नहीं था, तो मैंने अपने जीमेल के थ्रू रीडायरेक्ट किया, और उन्होंने ऑटोमेटिकली मेरा एडसेंस जो है वो वहां पर बन जाएगा आपका। आपने वहां पर सिर्फ अपना एड्रेस, वो जो आपसे जो जो चीजें मांगेंगे, एड्रेस मांगा था मुझसे, मेरा एड्रेस मांगेंगे, पोस्टल कोड मांगेंगे, सिटी नेम पूछेंगे, वो सारा अपने रिक्वायरमेंट्स जो होंगी उनको फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद वो दूसरे स्टेप के बाद प्रोसेसिंग शुरू हो गया, इन प्रोसेसिंग लिखा हुआ आ रहा था, और तीसरा स्टेप था चैनल रिव्यू का। तो मुझे लगा कि यार अब ये स्टेप क्यों, और उस पर लिखा हुआ आ रहा था कि 2-3 वीक्स लग जाएंगे या कुछ दिनों में आपका ये हो जाएगा। तो अब मैं थोड़ी सी फिर डिसहार्ट हो गई, यार क्या है इतनी, मतलब इतनी देर बाद अब मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया। तो वहाँ पे लिखा आ रहा था कि विद इन वीक और 2 वीक जो है वो 2-3 वीक्स भी लग सकते हैं, या कुछ दिनों के अंदर आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाएगा। मैं थोड़ी ठंडी होके बैठ गई, मैंने कहा यार अब आराम से ही, जाहिर है 2-3 वीक लगेंगे। तो आज सुबह 18 तारीख को जब मैं सो कर उठी तो मुझे एक ईमेल रिसीव हुआ यूट्यूब की तरफ से, और वहाँ पर बड़ा बड़ा लिखा था कि वेलकम टू यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। तो इट मीन्स मुझे फील हुआ यार, मुझे थोड़ा सा लगा कि यार ये क्या हो गया, और उस पर लिखा हुआ यू डिड इट,
सिद्रा खान मेकअप और जो भी मेरे चैनल का नाम है वो सब। तो यार बहुत गर्मी लग रही है कसम से, लिटरली मैं बता नहीं सकती कि मैं पसीनों से, मेरे बह रहे हैं पसीने। लेकिन मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करके छोड़ूंगी और आज की तारीख में ही शेयर करूंगी। अभी अगर मैं ये वीडियो ना बनाऊं तो शाम तक मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं आपके लिए जल्दी जल्दी ये वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं शाम तक शेयर कर दूँ, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये मैं गर्मी में बैठ के बना रही हूँ। तो बात कर लेते हैं। अच्छा जनाब, तो फिर क्या हुआ कि जब वो मुझे रिक्वायरमेंट्स और वो मुझे सारा कुछ लिखा हुआ आया तो मैं हैरान हो गई, और मेरे YT स्टूडियो में डॉलर का साइन भी बना हुआ दिखाई दे रहा था। अब मैंने कहा मैं क्या करूं। फिर वहां पर दो चीज़ें एक्टिव करनी थी, एक तो मुझे गूगल एड्स को एक्टिव करना था, एक शॉर्ट फीड के ऊपर जो वीडियोस डलती हैं उसको एक्टिव करना था। मैंने उन दोनों चीज़ों को एक्टिव किया और उनकी जो भी एग्रीमेंट्स थे उसको भी एक्सेप्ट किया, तो वो वाली जो मेरी रिक्वायरमेंट्स थी वो कंप्लीट हो गई। अब मेरा चैनल फाइनली मोनेटाइज्ड है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया कि क्या हुआ। बात कर लेते हैं कि अर्निंग की, कि मुझे अर्निंग कब से होनी शुरू होगी। तो अभी मेरा एडसेंस अकाउंट जो है उसमें मैंने अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स और जो मजीद और चीज़ें होती हैं वो मैंने अभी चीज़ें शेयर नहीं की। वो इसलिए मेरा एडसेंस अकाउंट अभी बन तो गया है लेकिन उसमें भी मेरी डिटेल जो है, मेरी इन्फो, पर्सनल इन्फो अभी तक उनके पास नहीं गई। और वो कब जाएगी, जब मैं मेरी वीडियोज़ जो हैं वो पहले $10 अर्न करेंगी, जब मेरे $10 मैं कंप्लीट कर लूँगी तो मुझे एडसेंस की एक पिन आएगी जिसके थ्रू फिर मेरा जो अकाउंट है वो एडसेंस का चल पड़ेगा, और फिर पहले $100 मुझे कमाने पड़ेंगे। पहले $100 कमाने के बाद जो है वो मुझे अर्निंग आनी शुरू होगी फाइनली। मैंने चैनल बनाया था ना, तो मैं आपको सच सच एक चीज़ बताऊँ कि यार मेरे दिमाग में बिल्कुल ये नहीं था कि मुझे यहाँ से अर्निंग करनी है या मुझे पैसे कमाने हैं। और अब तक भी मुझे ये ख्वाब मैंने नहीं देखे थे कि यार मैं पैसे कमाऊंगी और ये सब चीजें। वो बाद की चीजें होती हैं, वो चीजें आपको मिलके ही रहेंगी। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप लोगों को आपको फल जरूर मिलेगा। तो यार अगर आप लोग YouTube पर आए हो और आप अपना चैनल बना के सिर्फ ये दिमाग में रख के बैठे हुए हो कि आप लोगों ने पैसे ही कमाने हैं, पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं, आप लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो कामयाब होने के लिए आप लोगों को दिमाग से ये चीज निकालनी है कि अभी पैसों का मत सोचो, ये सोचो कि आप लोगों ने जो चीज बनानी है, जो कॉन्टेंट आप बना रहे हो उस पर काम करो, वो अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करो। और अभी तो यार ये मेरा पहला स्टेप है, ठीक है ना, अभी तो पहला कदम है ये जो कामयाबी की तरफ। तो मोनेटाइजेशन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, जो कि आज से एक साल पहले लगता था कि एक ख्वाब है, जो कि मैंने आज पूरा कर लिया है। तो इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द जो है वो अपने आगे भी स्टेप बढ़ाती जाऊंगी। और अब मेरे अंदर मेहनत का जज्बा बहुत ज़्यादा हो गया, डबल हो गया। पहले भी मैं बहुत मेहनत करती थी, अब मैं इससे भी ज़्यादा मेहनत करूंगी। आप देख लें मेरी मेहनत का आप सबूत देख लें कि पसीने जो है वो तर तर बह रहे हैं मेरे अंदर से। और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे आज ही आप लोगों के साथ अपनी ये अपडेट जो है वो शेयर करनी है, क्योंकि आप लोग मेरी YouTube फैमिली हो और मेरी फैमिली के साथ मैं अपनी कोई खुशी शेयर ना करूँ ये हो नहीं सकता। तो यार ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आप लोगों को भी खुशी हुई होगी। अगर आपको खुशी हुई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक करना, और कॉमेंट्स में लाजमी मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन कहना, मुझे बहुत खुशी होगी। आप लोग अगर मुझे मुबारकबाद दोगे इस चीज़ की, या मुझे मैं आपको थैंक्स बोलने आई थी स्पेशली, तो यार कमेंट्स में लाजमी अपना प्यार जो है ना वो ढेर सारा प्यार देकर जाना, ताकि मुझे और अच्छा लगे और मैं आप लोगों के लिए और दिल से कंटेंट बनाऊं। और बस यार ये थी आज की वीडियो। अगर कुछ मिस कर गई हूँ, कुछ रह गया है, कोई सवाल है इस हवाले से कमेंट्स में लाजमी पूछ लेना, मैं आपके तमाम कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी। और बहुत गर्मी लग रही है यार मुझे, तो इजाज़त, अब मैं जा रही हूँ पंखा चलाऊँ थोड़ी देर के लिए, गर्मी पसीना खुश करूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।